गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चा। गुड सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग बेटा सुप्रभात। सर कैन वी डू रिवीजन टुडे? कैन वी डू एन एक्टिविटी टुडे? नो सर। कैन वी डू 16 ऑन सैटरडे? पढ़ने वाले को भी एक्टिविटी चाहिए। ऑन सैटरडे आई डोंट वांट एक्टिविटी। On Saturday you were absent. We did an activity on Saturday. Sir, it was so amazing. Sir, please. You can ask Rajnandini. You get absent on Saturdays and we do activity. That's your class. Also, I told on weekend. Sir, you tell me. You are trusting him more than me. I will see the recording. Sorry? You cheaters. Sorry, what? A very bad friend I got in see, my life. See, Manreena, as I promised last time that we will have activities on Saturdays. So last Saturday we had an amazing activity. Sir, Manreena is last man. All these students enjoyed the activity a lot. I hope you all enjoyed, everyone. You all enjoyed the activities on Saturday. अच्छा सर कैन वी डू रिवीजन? मंडी में भरोसा नहीं हो रहा। यूट्यूब पे वीडियो चेक कर लो। सर आज मंडी ना ये तो आज भी कर लेते हैं। यू कैन स्टिल एंजॉय मंडी ना। यू कैन स्टिल एंजॉय। यू कैन व्हाट यू कैन डू यू सी द रिकॉर्डिंग एंड व्हेन यू सी द रिकॉर्डिंग इवन देन यू विल एंजॉय द एक्टिविटी by sir, seeing the recording also. Sir, can we do it again as Manreena is also here? No, beta. I think we should carry on with the studies. Sir, then we will do revision. Revision. Yes, sir. No, sir. We will do something similar to revision. We will do division. But I want to do it. Of algebraic expression. Wow, please. Division. Sir, yes, we will do division. Sir, I want to chapter continue. Sir, time. Division. We will do something similar to division. We will do division. Exercise 6C. Division. Division. Sir, camera. Koi nahi bhula. Camera. Nice camera. Yes. Okay, question number. मैंने कराया था आप लोगों को चेक हो गया था आंसर। मैं क्या बोल रही थी आप लोग नहीं करेंगे तो मैं आंसर यहाँ पर कर दूंगा फटाफट। ठीक है कैमरा पहले आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करिए। जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे आप देखेंगे मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा। ओके तब तक तो सर हमारी यहाँ की किताबों में होंगी। देखिए देखते रहना बीच बीच में। 14x² + -53x + 45 / 7x - 9। Yes, start doing. सर मैं देख भी रही हूँ बार बार। हाँ मैं भी देख रहा हूँ। सर मैंने तो आपकी स्क्रीन को स्पॉटलाइट बना लिया है। बेटा क्वेश्चन कर ले मंजीना। मंजीना वो वीडियो जो तुमने बनाया है कमाल ही कर दिया है। मतलब बस मुझे एक ही चीज बहुत बेकार लगी उसमें कि मेरा फोटो तुमने एकदम लास्ट में लगाया है। अच्छा सॉरी सर मैं अभी फिर से बना दी। नहीं आई एम जस्ट जोकिंग मजाक कर रहा हूँ। मेरा तो उसमें फोटो है यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं वैसे अपने आप को इतना डिजर्विंग समझता नहीं हूँ। कौन सी वीडियो? मंदीना एक वर्ल्ड क्लास वीडियो बनाई है मंदीना ने। उसमें दुनिया के सबसे बड़े लोग जो हैं, दुनिया के 3 टॉप मोस्ट पर्सनालिटीज नहीं उसमें डाली गई। बेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड
बेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड. और अभी देखो गगन सर को स्मृति मैम तो होंगी, ये मैं गगन सर को बताऊंगा देखना. सर बटरिंग कर देगी गगन. वैसे भी वो भैया है, भैया है वो, मैं फिर भी मैं बताऊंगा देखो. सर बढ़िया के तो बस यार पढ़ लेती है पहले ही सर से. अंधेरा तुम लकी कैसे हो. क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन सड़न. अरे वेट वेट सर वेट वेट. All of you keep your videos on. Keep your videos on, everyone. I'm solving this question. 2 minutes se zyada ho gaye. Yes, answer. So my answer sahi tha. I have got answers of 1, 2, 3 answers of 3 bachche I have got. What about the rest? Anshuman reminder bhi send karna hai. What is the reminder? Sir, 0. वाह मंदीना सेंड योर आंसर. अरे वाह राज नंदिनी है सेंड दी आंसर, क्या बात है. वेरी गुड. मुझे इतना अच्छा लग रहा है बच्चे यहाँ पर 8th B के बच्चे कमाल करने वाले हैं इस बार. सर सोनम दिखाएंगे. सॉरी सर ये पक्का गारंटी है कि फर्स्ट 100 में से 100 नंबर ला के दिखाएंगे. वाह वेरी गुड. मैं सर पर इतना पता है. हाँ यस सर इतना पता है कि सेक्शन भी अच्छा करेगा मैथ में. यस वेरी गुड. मतलब द मेन टारगेट शुड बी कि अपनी परफॉर्मेंस को एटलीस्ट लो नहीं करना है. लो, जो लो सारे तो सवाल ही नहीं होता है. अपनी परफॉर्मेंस को जैसे इफ समवन इज लाइंग एट 80% 85% देन दैट पर्सन शुड रीच टू 95% ऐसा कुछ करना है. कोई पहले से ही अगर 90% ला रहा है देन दैट पर्सन शुड रीच एट 98% ऐसा कुछ करना है. मतलब बेटर करना है अपने परफॉर्मेंस. मतलब अपनी एवरेज परफॉर्मेंस से ज्यादा लाना है. बेटर करना है हर बार. ओके व्हाटएवर योर लास्ट टाइम व्हाटएवर योर परफॉर्मेंस वाज उससे बेटर करके दिखाना है. जैसे कोई बच्चे के बहुत कम मार्क्स आते हैं तो उसके पास ज्यादा स्कोप होता है बेटर करने का.
जैसे कोई बच्चा फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए 55% मार्क्स लाया है, थोड़े कम है, तो उसके पास उतना ज्यादा स्कोप है अपने आप को बेटर करने का. 55 से वो 75-80% पे भी पहुंच सकता है. आई हैव सीन एग्जांपल्स लिटरली, मेरे खुद के अपने बच्चे हैं पुराने, मतलब मेरे अपने बच्चे, मतलब वो वाले बच्चे ना, वैसे बच्चे. हाँ, तो वो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया आज तक. देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर दिस. चलिए, 14x² / 7x. ओके, फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट टर्म से. दिस इज 2x, वेरी गुड. 2x into 7x, 14x², 2x into -9, -18x, मल्टीप्लाई कर लिया. अच्छा, ऐसे मल्टीप्लाई करूं बेटा मैं? देखो, ऐसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई. हम लोग क्या करते हैं, 2x को डिवाइजर से 7x - 9 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं, 14x² - 18x आता है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं. देखिए, मैंने लिखा एंड देन साइन चेंज कर दिया. अब मैं माइनस करूंगा, 14x² - 14x² जा, -53x + 18x, ये कितने हो जाएंगे, -35x. Am I right? Yes. +45. ठीक है. अब फर्स्ट टर्म उठाओ. What is the first term? It is -35x. -35x को 7x डिवाइड कर लेंगे तो माइनस में आएगा. xx कट गया, -5. ओके, -5 को यहाँ लिख लेंगे, फिर -5 को उठाएंगे एंड -5 को 7x - 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइजर से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो हमने कल सीखे थे. -5 into 7x - 35x, -5 into -9 + 45, -35x + 45. जरूरी नहीं है कि हर बार रिमाइंडर जीरो आया. अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें रिमाइंडर जीरो आया, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर बार रिमाइंडर जीरो आएगा. 35x जा, 45 - 45 ये भी जा, रिमाइंडर जीरो. Quotient equal to 2x - 5, remainder equal to 0. Okay. Yes, done, all of you. Sir, pehle kisne भेजा आंसर? सबसे पहले किसने सेंड किया? सबसे पहले भेजा है अंशुमान, सेकंड अक्षर, थर्ड ओम सारस्वत. बट रियली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आंसर कौन दे रहा, बाद में द मेन थिंग इज कि आंसर सही होना चाहिए. देन राज, राजनंदिनी एंड मंदरीना ने कहा है कि सीक्रेट आंसर है, आंसर सीक्रेट है. थ्री इडियट्स मूवी में रेस लगाने के चक्कर में वो कुछ भी नहीं सीख पाते हैं. देखिए, रेस लगाने के चक्कर में खुद भी हार गए. चलिए कोई बात नहीं, बट किसी किसी चीज में अच्छा भी होता है, इट इज हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड. ओके, सो अभी वी शुड डू क्वेश्चन नंबर 9. आपकी वीडियो, मेरी वीडियो ऑन है, आपकी वीडियो, मेरी वीडियो ऑन है सर. जब आपका हाथ उठ जाता है सर, ये जो कांच है ये वॉशरूम है, बाथरूम है ये एक्चुअली वॉशरूम के अंदर एक हमने छोटा सा बना रखा है, एंट्रेंस गेट है, वो है ये वॉशरूम के अंदर वाला. सर आप बाथरूम दिखाइए अपना. ये यहाँ पर वॉशरूम में जो जाते हैं, जो लोग एंटर करते हैं उनकी पहले चेकिंग होती है, वो वाला रूम है यहाँ. सर आपकी चेकिंग क्यों होगी, आप तो ऑलरेडी आप गई तो. जैसे कोई बाहर से कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो सर हम तो ऑनलाइन बैठे हैं. नहीं फिर भी मतलब मैं अच्छा लगता है यहाँ पे रूम में बैठ के खाना, इस रूम में ना छोटा रूम मुझे अच्छे लगते हैं. एक्चुअली मेरे घर में कोई छोटे रूम है नहीं तो मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है. क्वेश्चन नंबर 9, सर मैंने
2x cube plus x square minus 5x minus 2 quadrinomial. इसको डिवाइड करना है बाइनोमियल से. डिवाइड दिस नंबर बाय दिस और डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 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 2x plus 3. जी सर, प्राइम वीडियो पे एक मूवी है होस्ट. सर उसमें ये प्राइम जो हमारी जूम क्लासेस है वही चल रही होती है. क्लास नहीं चल रही होती, ऐसी कन्वर्सेशन चल रहा होता है कुछ फ्रेंड्स के बीच में. तो सर उसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम भूतों से बातें करें ऑनलाइन इसमें. तो वो किसी को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं. सर लास्ट में उनसे कोई भी नहीं बचता. तो मतलब जूम मीटिंग कोई नहीं बचता. लास्ट में क्या होता है? कोई नहीं बचता. कोई नहीं बचता. Zoom meeting में भी भूत आ जाता है. तो सर आप देख लीजिए Zoom में भी भूत आ जाता है. क्या नाम है मूवी का? The Host. Very nice. I should watch it. Is it entertaining or not? Horror. Entertaining है या नहीं है? नहीं सर, पर हाँ हॉरर जरूर है. एंटरटेनिंग में तो बस डायलॉग्स बीच-बीच में आएंगे. इंटरेस्टिंग नहीं है मतलब. थोड़ी सी है लेकिन ज्यादा उसमें हॉरर है. मतलब ज्यादातर उसमें डायलॉग है कि मंत्र वंत्र वाले वैसे ज्यादा हो गए. ओह सो डन. वेरी गुड. देखो बेटा और मूवी अच्छी है. ओके कराएं? नहीं, बातें कर रही है बैठ के. क्वेश्चन नहीं कर रही है लड़की. कर रही सर. बेटा आई एम डूइंग इट ऑन द बोर्ड नाउ. टाइम अप सर. आप ओके ठीक है. 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x. 2 से 2 कैंसिल. x स्क्वायर. ओके तो x स्क्वायर यहाँ लिख लिया. नाउ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 डिवाइजर से मल्टीप्लाइड. 2x क्यूब x स्क्वायर इनटू 3 प्लस 3x स्क्वायर. ओके तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर. आंसर्स अभी चेक करते हैं. ठीक है, दो ही बच्चों ने आंसर भेजा अभी. 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट गए. x square and minus 3x square minus 2x square. ठीक है, minus 5x को कॉपी कर लेंगे, minus 2 को भी कॉपी कर लेंगे नीचे. ठीक है, minus 2x square divided by 2x. अगला स्टेप फिर से वही स्टेप रिपीट हो जाएंगे. minus 2x square divided by 2x. सेम स्टेप रिपीट होंगे. 2 से 2 कटेगा लेकिन minus 1 बचेगा. minus 1x या फिर minus x, एक ही बात है. माइनस वन एक्स या माइनस एक्स. तो माइनस एक्स यहाँ लिख लिया. माइनस एक्स. नाउ यू मल्टीप्लाई माइनस एक्स बाय 2x प्लस 3. तो क्या आएगा? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x. माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x. सब्ट्रैक्शन प्लस प्लस साइन उल्टे कर लिए. माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कट गए. माइनस 5x प्लस 3x माइनस 2x बचा. ये माइनस 2 फिर से नीचे कॉपी हो गया. ओके, अब फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? माइनस 2x. किससे डिवाइड करना है? 2x से. क्या बचेगा? माइनस 1. माइनस 1 यहाँ लिख लेंगे. फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2x प्लस 3 से. तो आएगा माइनस 2x माइनस 3. माइनस 2x माइनस 3. माइनस 2x माइनस 3. रिमाइंडर यानी कि 0 नहीं आ रहा. प्लस ये कट गया. माइनस 2 प्लस 3 1. रिमाइंडर इज 1. दिस टाइम द रिमाइंडर इज नॉट 0. कमाल कर दिया. सब एंड अंशुमान है सेंड द आंसर करेक्टली. दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है.
इसके बाद वी विल डू द 10th क्वेश्चन 10th वन. हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू द 10th वन? Yes. Have you all done 9? Yes, sir. Okay, question number 10. X cube plus 1 divided by x plus 1. मैं आंसर ऐसे ही बता सकता हूँ, मैं बता दूँ वो लिए आंसर क्या आएगा. नहीं सर. चैट बॉक्स में बताओ बेटा. Please keep your videos on. Om Akshat Raj Nandini. Mandina, you have not started your video. Pranjali, Sobhya, Ranchir. Urvashi, start your video, Urvashi. I know some of you are not attending the class. You have just joined the meeting because your videos are off. I will consider you as absent. You are not sitting on your chair. You all are roaming here and there in your house. Maybe playing video games or doing something else, whatever, dancing or singing or whatever you are doing. Your videos are off. I can the notebook over. Notebook over. Very good. Congratulations. एक पेज बचा है. एक पेज भरा है या एक पेज बचा है? बचा है. सर मेरे भी सिर्फ 20 पेजेस रह गए. सर फिर तो मेरी सेकंड नोटबुक भी खत्म हो गई है. मंदीना की तो बात ही अलग है. कर लेती और सर नोटबुक नहीं है सर, वो रजिस्टर है. रजिस्टर्स भर दिए मंदीना. अरे वाह कितना बड़ा लिखती हो मंदीना. चैप्टर देते रहे हो ही नहीं तुम्हारे को. सर आंसर सही है. सर आंसर सही है. व्हाट इज योर आंसर बेटा? लेट मी सी. X square minus absolutely correct answer. Om Saraswat. Mr. Khandelwal correct sir. Answer. Anshuman answer is not correct. No problem. Sir, मेरा देखा sir. मेरा correct हो सकता है. I am doing this. So this is the first time we are doing no! this. No. Sir, please. अच्छा जल्दी भेजो. कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन जो है मेरे बिना बताए भी कर लिया है. I don't know कैसे कर लिया. X cube plus 1. This is a little different from the other questions. थोड़ा सा अलग है. Okay. सर x स्क्वायर प्लस x. हाँ सॉरी गलत है. सही
एक्सक्वायर आंसर क्या एक्सक्वायर क्या बताया एक्सक्वायर प्लस एक्स नहीं आएगा थोड़ा सा पास में ही है लेकिन थोड़ा सा दूर है ओके सो एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म को एक्स से डिवाइड करेंगे एज यूजुअल फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर अभी देखिए एक्स स्क्वायर को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना होता है एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स आ गया देखो आ गया ये एक्स क्यूब प्लस एक्स कहाँ लिखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख लिया ओके उसके बाद मल्टीप्लाई करके तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया ओके नाउ माइनस माइनस ध्यान से देखिए सब लोग बोर्ड पे देखेंगे सारे बच्चे प्लीज दिस इज अ लिटिल डिफरेंट इवन इफ यू हैव डन or you are doing still doing or you think you can do it even then in any case whatever sir, you have to look at the board answer bata rahi ho jaldi rajnendra nahi sir main dekh ke bata rahi hu to dekho board pe dekho fir nahi board pe dekhiye fir jaldi se x cube and minus x cube ye kat gaya dekho ab ye hai sabse important step plus 1 isme kya hoga x square copy ho jayega plus ha yahan pe dekho bhi plus 1 and minus x square पहली बात तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं हम इनको माइनस नहीं कर सकते आपने लाइक अनलाइक टर्म्स पढ़ा है तो ये अनलाइक टर्म्स है माइनस को कर नहीं सकते लेकिन पहले हम वो वाली टर्म लिखेंगे जिसमें एक्स आ रहा है या फिर जहां पर एक्स की पावर ज्यादा बढ़ी है इस टर्म में एक्स की पावर क्या है टू है वहां पर तो एक्स है ही नहीं तो पहले कौन सी टर्म लिखते हैं दोनों टर्म को कॉपी करेंगे नीचे लेकिन पहले वो टर्म लिखेंगे जो जिसमें एक्स है या फिर जिसमें एक्स की पावर ज्यादा बढ़ी है तो हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर है देखो माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर प्लस वन को भी नीचे लिखेंगे वो ये रहा ओके बिकॉज व्हाई आर वी राइटिंग बोथ द टर्म्स दोनों को क्यों लिख रहे हैं बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को हम एड या माइनस नहीं कर सकते इसीलिए हमको दोनों टर्म्स को लिखना पड़ेगा ओके सो सबसे पहली बात अब आगे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इसमें से पहला टर्म उठाइए माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करिए उधर फर्स्ट टर्म क्या है एक्स है डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स बचेगा माइनस एक्स को यहाँ पे लिख लो ना माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स प्लस वन से क्या मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिलेगा यहाँ पे लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख लिया यहाँ पे प्लस कर दिया यहाँ पर भी प्लस कर दिया साइन चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर कट गए प्लस वन एंड प्लस एक्स अगेन अनलाइक टर्म्स प्लस वन प्लस एक्स फिर से अनलाइक टर्म्स हैं तो मैंने क्या बोला था पहले वो वाली टर्म लिखेंगे जिसमें एक्स आ रहा है तो एक्स पहले लिखेंगे प्लस एक्स को पहले लिखेंगे एंड प्लस वन को बाद में लिखेंगे क्लियर है अब क्या करना है आपको प्लस एक्स को एक्स से डिवाइड करना है ये एक्स फर्स्ट टर्म फिर से डिवाइड करेंगे एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू वन वन लिख लो या प्लस वन लिख लो बात एक ही है प्लस वन यहाँ पे लिख लेंगे कोशेंट में फिर प्लस वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करा कितना आया एक्स प्लस वन आ गया एक्स प्लस वन यहाँ लिख लेंगे साइन उल्टे कर देंगे माइनस माइनस एक्स से एक्स कट गया वन से वन कट गया रिमाइंडर जीरो आ गया आंसर क्या आया कोशेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो बताइए क्लियर है यस वेरी गुड चलिए फिर अगला ट्राई करिए क्वेश्चन क्वेश्चन फोर करेंगे आप लोग क्वेश्चन फोर Excuse me, sir. Yes. Sir, who had given the first answer? Who has given the first answer? सबसे पहले आंसर दिया है अक्षत खंडेलवाल. अक्षत खंडेलवाल कहाँ से आंसर दे रहे हैं? My number. Pranjali cannot open her camera due to some network issues. As soon as the network issue will be solved, she will open her camera.
अच्छा व्हेन शी ओपन हर कैमरा शी हर शी गेट्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम द मीटिंग दैट इज व्हाई प्रांजलि कैन नॉट ओपन हर कैमरा सर सेम हेयर सेम हेयर आर यू सर सुबह वाली ब्रॉडबैंड आर यू यूजिंग अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन मंदीना मतलब वाईफाई यस सर कौन सा वाईफाई है सर जियो सर प्लीज ओपन योर कैमरा फिर आपने कौन सा क्वेश्चन करने को बोला है सर यस फिर आपने कौन सा क्वेश्चन करने को बोला है बेटा यू हैव टू डू क्वेश्चन फोर Start doing question four. Sir, done. Very good. Yes. Let's check the answer. Fourth part. Dekho beta, question four, I am doing it. We have to divide x square minus 4 by x plus 2 ठीक है ओके x square divided by x is equal to x x into x plus 2 x square plus 2x ठीक है माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कट गए माइनस फोर एंड माइनस टू एक्स अनलाइक टर्म्स माइनस फोर एंड माइनस टू एक्स आर अनलाइक टर्म्स सो माइनस टू एक्स लिख लिया एंड माइनस फोर भी लिख लिया ओके नाउ
माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, माइनस टू इंटू एक्स हो गया माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू प्लस टू माइनस फोर, सो प्लस प्लस माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कट गए, माइनस फोर एंड प्लस फोर भी कट गए, जीरो रिमाइंडर, क्वोशेंट इज एक्स माइनस टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो. अंडरस्टूड? सो किस किस ने सही दिया है? अंशुमान एंड अक्षत. एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट? व्हाई द रेस्ट ऑफ यू आर नॉट गिविंग द आंसर? सर अब कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? एट कर लिया ना हमने, डू द इलेवेंथ वन, इलेवेंथ कर, ट्राई द इलेवेंथ वन.